अगली खबर यूपी के बलिया से है, जहां में रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में बना नगर पालिका का मैरिज हॉल आयाशी का अड्डा बन गया है। नगरवासियों ने युगल जोड़े को कमरे में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नगरवासियों ने कमरे का ताला खुलवाकर आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें पकड़ा। नगरपालिका लेखा लिपिक पर कमरा दिलवाने का आरोप है। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। रसड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जांच में जुटी हुई है। नगरवासियों का आरोप है कि आपत्तिजनक कार्य यहां पे हो रहा है, और मुझे जानकारी हुई तो नगरपालिका मैरिज हॉल में गए और वहां कर्मचारियों से ताला खुलवाया तो आपत्तिजनक हालत में लड़का और लड़की मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो अभी कोई पता नहीं, अभी पहुंच रहे हैं तो आप सबके जरिए हमें पता लगा है, उसके हम बारे में तुरंत हम तत्काल पता लगाते हैं क्या मामला है। इस मामले में जो दोषी होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर दोषी पाए गए तो कार्रवाई। अपना परिचय बताइए। हम अवधूत ठाकुर, नगर पालिका रसड़ा। क्या नगरपालिका में क्या कार्य करते हैं? नगरपालिका में चपरासी का काम है। इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय हम मैरिज हॉल पर हैं। मैरिज हॉल पे देखा गया कि एक युवक और एक युवती, इसमें कुछ पकड़े गए हैं, क्या मामला है? सर, पकड़े नहीं गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि अब कभी कोई हमारा रिश्तेदार आता है, कभी कोई मतलब कि आते जाते लोग रहते हैं, तो मतलब कि ये भी आए थे तो कहे प्रदीप बाबू को दवाई वही करना है, थोड़ा सा आधा घंटा तुम तब तक खाना बनाओगे तो ये लोग रहेंगे, फिर मतलब कि ये लोग चले जाएंगे, कोई दवाई वही के लिए आना है। रिश्तेदार है? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं। किनके संबंधी बताया जा रहे हैं? आए हैं राहुल जी हैं, प्रदीप बाबू फोन किए थे हम पे कि राहुल जाएगा, तबीयत किसी का खराब है। प्रदीप जी वही नगर पालिका में रहते हैं। यहाँ उपस्थित दो चार युवक हैं, उन वो बता रहे हैं कि गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए। अब ऐसा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो खाना वाना बना रहे थे, अभी जूठा हाथ भी है, थाली में सब्जी चावल लिए भी हैं, सब्जी चावल सब्जी लिए हैं। नगर पालिका का मैरिज हॉल किस लिए बनाया गया है? यहाँ पे शादी विवाह होता है कि किसी के ठहरने के लिए? शादी विवाह जरूर होता है। फिलहाल एक मामला नगर पालिका मैरिज हॉल में हुआ था, आप लोग उपस्थित है, क्या कुछ प्रकरण था? मैं उधर अपने किसी कार्य की वजह से उधर जा रहा था, उस रास्ते में तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक कार्य हो रहा है, जो नगर पालिका का मैरिज हॉल है उसके अंदर। तो वहाँ पे मैंने आवाज़ लगाई नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनको कि नीचे आइए और क्या हो रहा है वहाँ पे बताइए। तो कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद करीबन आए, नीचे का ताला खोले, उसके बाद से हमको लेके ऊपर गए। जब ऊपर गए तो उन्हीं के द्वारा मैं उस कमरे का दरवाजा खुलवाया, जब दरवाजा खुलवाया तो अंदर देखा कि दो जोड़ा मतलब एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक रूप में पाए गए।